हेलो एवरीवन मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे बिहार टीचर की जो भर्ती आई है ना उसके कुछ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को हम लोग देख रहे हैं और वेरी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ मैं इसकी शुरुआत करूंगा उससे पहले मैं तीन क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा भारत में कुल कितने बंदरगाह हैं आपको नीचे कमेंट करके बताना है कि भारत में कुल कितने बंदरगाह हैं अब बंदरगाह को इंग्लिश वाले समझ लीजिए पोर्ट कहा जाता है ठीक है ना कितने पोर्ट्स हैं वो बताइए नीचे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है भारत में सबसे ज्यादा मूंगफली जो है किस राज्य में उगाई जाती है तो दोनों का सवाल आप लोगों को दे दिया मैंने नीचे कमेंट करके इसका जवाब दीजिएगा नहीं पता तो गूगल कर लीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन के साथ शुरुआत करेंगे जिन्हें नहीं पता है मैंने एक से पचास तक वाले करा रखा है लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेक कीजिएगा वहाँ से आप जानकारी ले पाओगे तो चलिए मेरी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं आज की क्लास को गंधक सुगमता से घुल जाती है गंधक जो है किससे आसानी से, से डिजोल्व हो जाती है कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाती है तो देखिए कार्बन डाईसल्फाइड में ये जो है कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाती है तो सी इसका क्या है करेक्ट आंसर है डिज़ोल्व होने का काम कहाँ करती है कार्बन डाइऑक्साइड में अब पूछा गया देखिए बहुत ही आसान प्रश्न किस ग्रह में के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं जैसे कि पृथ्वी का अगर उपग्रह की बात की जाए पृथ्वी के उपग्रह की तो ये कौन है मून है चंद्रमा है लेकिन अब आपसे पूछा गया है कि जितने भी प्लानिट हैं उनमें सबसे ज्यादा उपग्रह किसका है तो इसका सही आंसर कितना है शनि और शनि के पास कितने उपग्रह हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 53 कितने हैं 53 इसका राइट आंसर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा आगे देखिए क्वेश्चन अगला है न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी देखिए साइंस का क्वेश्चन है न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी तो देखिए न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपको पता होगा कि ऐसे जो कक्षाएं बनती है ऐसे देखो ये एटम का एटम की संरचना है सबसे बीच में क्या होता है न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के बीच में क्या होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है कौन होता है न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पे नो चार्ज प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है ठीक है ना तो ये पूछा गया इस न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी तो न्यूट्रॉन की खोज करी थी जेम्स चैडविक ने तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ आपको जाना था अब जाएंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कॉल्ट किस आविष्कार के लिए विख्यात थे तो देखिए कॉल्ट के द्वारा जो है रिवॉल्वर यहाँ से देखो ये देखो रिवॉल्वर तैयार किया गया था जिसके लिए ये बहुत ही फेमस थे अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी एक्चुअली मैं क्वेश्चन से थोड़ा सा नाइन रखता हूँ सबसे मजबूत हड्डी जो है आपके जबड़े की हड्डी है याद रखिएगा आपके जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत माना जाता है लेकिन सबसे बड़ी हड्डी की बात करेंगे तो आंसर आपका क्या हो जाएगा फीमर जांग की हड्डी यह भी मजबूत होती है बट जबड़े की हड्डी से कम तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी के साथ आपको जाना था फीमर जो जांग में आपकी हड्डी पाई जाती है वो सबसे मजबूत होती है मानव शरीर का सामान्य टेम्परेचर क्या होता है ताप क्या होता है ये पूछा गया है आपसे तो देखिए फॉरन हाइट में अगर इसका सवाल को पूछ लिया जाए तो 98.4 जो है डिग्री फॉरन हाइट इसका राइट आंसर होगा लेकिन अगर सेल्सियस में पूछ लिया जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस इसका करेक्ट आंसर होगा तो देखिए ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे देखने को मिलता है अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर पौधे का प्रमुख प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है आपको ये बताना है क्या वो स्तंभ है पुष्प है पत्ती है या मूल है तो देखिए ये जो आंसर है वो है पत्ती प्रकाश संश्लेषण करने की जो प्रक्रिया होती है वो पत्तियों के द्वारा की जाती है एक्चुअली और भी पार्ट पार्टिसिपेट करते हैं बट पत्ती इज द राइट आंसर आगे देखिए कौन सा रोग मच्छर के द्वारा नहीं फैलता है तो देखिए मलेरिया मच्छर के द्वारा फैलता है इसके अलावा फलेरिया भी मच्छर के द्वारा फैलता है डेंगू इसे डेंगू जो है वो भी मच्छर के द्वारा ही फैलता है बरसात के समय में जब छत के ऊपर या फिर कहीं पे बर्तन में पानी जम जाता है तो वहाँ पे ये अंडे देते हैं तो फिलहाल इसका जो राइट आंसर है वो है रेबीज अब रेबीज तो आपको पता ही है कुत्ते के काटने से रेबीज होता है अगर पागल कुत्ते ने आपको काट लिया तो आपको रेबीज हो जाएगा तो राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर अनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता कौन थे अनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता डार्विन थे वेल्स थे या मेंडल थे या लमार्क थे तो देखिए थोड़ा सा ऑप्शन मैस हो गया है बट कोई बात नहीं इसका जो राइट आंसर है वो है चार्ल्स डार्विन। जिन्होंने जो है अनुवांशिकता जिसे इंग्लिश में हेरिडिटी भी कहा जाता है क्या कहा जाता है हेरिडिटी इसकी जो है जन्मदाता उन्होंने करी थी अब देखिए आप लोगों से मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा देखिए पार्ट ए मैंने करा दिया उन्नीस के पेपर को मैं करा रहा हूँ ठीक है ना पार्ट ए मैंने पहले ही कंप्लीट करा रखा है जो कि आप देख लोगे पार्ट टू अभी चल रहा है तो क्या आपको जो पहले भी प्रश्न और आए थे एक्चुअली जो संतानवे अंठानवे में पूछे गए थे बीपीएससी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराए गए थे उसके पेपर चाहिए क्या आपको उसके सॉल्यूशन चाहिए क्या तो नीचे कमेंट करके आप लिख देना पी वाई क्यू तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको प्रीवियसर क्वेश्चन पेपर और देखने हैं। तो फिलहाल देखेंगे अगले क्वेश्चन की ओर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इनको मिला था आपको यह बताना है देखिए सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार भौतिकी शास्त्र के लिए दिया गया था तो ऑप्शन क्या है ए सही आंसर है भौतिकी के लिए जो है इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है अब अगला सवाल देखिए रॉकी पर्वत कहां है यूरोप में है दक्षिण अमेरिका में है उत्तरी अमेरिका में है या ऑस्ट्रेलिया में है तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो आपको कहाँ मिलेगा ये जो रॉकी पर्वत है वो आपको देखने को मिलेगा उत्तरी अमेरिका में कहाँ मिलेगा ये उत्तरी अमेरिका में याद रख लीजिएगा मैं तो कहूँगा कि आप पेन पेपर पे इन सारे जीके को लिख लीजिए कोई ना कोई क्वेश्चन देखना आप 10-15 क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं प्रीवियर क्वेश्चन पेपर से उगते हुए सूरज की भूमि किसे कहते हैं थोड़ा सा मैस है बट कोई नहीं इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूं इसका राइट आंसर है जापान क्या है जापान हिंदी में बोलते हैं इंग्लिश में जापान तो जापान को उगते हुए सूरज की भूमि कहते हैं नीचे कमेंट करके आप लोग बताना डूबते हुए सूरज की भूमि किसे कहा जाता है नीचे इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा जिन्हें पता है उन जरूर बता दीजिए अपने भाइयों बहनों की हेल्प कीजिए महाबलीपुरम के मंदिर को किसने बनवाया था उस शासक का नाम बताना है उस वंश का नाम बताना है चोल पल्लव चंदेल या गुप्त के द्वारा यह बनाया गया था तो देखिए पल्लव जो थे उनके द्वारा जो है महावलीपुरम के मंदिरों का निर्माण कराया गया था राइट right आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर क्रोना किस देश की करेंसी है क्रोना किस देश की मुद्रा है ये बताना है आपको तो देखिए ये राइट right आंसर क्या हो जाएगा स्वीडन स्वीडन जो है वहां की मुद्रा का नाम क्या है क्रोना है याद रखिएगा बहुत सारे सवाल जो है झारखंड से भी पूछे जाएंगे बिहार से भी पूछे जाएंगे क्योंकि झारखंड और बिहार एक ही साथ था तो उनको जरूर आप कर लेना आगे देखिए वृंदावन गार्डन कहां पर स्थित है कहां है ये मैसूर में है मथुरा में है वृंदावन में है या बेंगलुरु में है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों वृंदावन गार्डन आपको मिलेगा मैसूर में कहा मिलेगा मैसूर में ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं ओणम किस राज्य का त्यौहार है तो देखिए ओणम जो है कहाँ मनाया जाता है केरला में कहाँ मनाया जाता है केरल में इंग्लिश में इंग्लिश में केरला बोला जाता है हिंदी में केरला आप बोलोगे काम आपका चल जाएगा सी के साथ आपको जाना था चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर उन्नीस की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों और जनजातियों का अनुपात कितना था तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है पच्चीस प्रतिशत लेकिन अब आप 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग आंसर दोगे तो इसे या आप याद मत रखिएगा मैंने सिर्फ आपको ये बातें बता दी है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी नहीं है तो देखिए दिहांग कामेंग धनश्री या मानस तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी कामेंग इज़ द राइट आंसर बी के साथ आपको जाना था ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी वो नहीं है अटलांटा ओलंपिक्स 1996 में जो पुरुषों की 100 मीटर की दौड़ हुई थी गोल्डन पदक यानी कि गोल्डन मेडल किसने जीता था तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है डोनोवेन वैली डोनोवेल वैली बी इसका राइट आंसर है बी ही इसका करेक्ट आंसर है बी के साथ आपको जाना था गीत सेठी क्या खेलती है तो देखिए ऑप्शन थोड़ा सा नीचे हो गया बट कोई बात नहीं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विलीडियर्स खेलती है ये और आपको पता ही होगा अभी के करंट में कोई खेलने वाले के जो नाम है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा चलिए आगे बढ़ते हैं ओलंपिक 1996 में किस देश ने फुटबॉल में स्वर्ण पदक जीता है तो देखिए 1996 की बात की जा रही है इसे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है लेकिन 2023 में जो अर्जेंटीना है यहां से देखो ऑप्शन सी इसने वर्ल्ड कप जीत लिया है लेकिन किसे हराकर तो फ्रांस को हराकर फ्रांस यहां पे हारने वाली टीम थी अर्जेंटीना जीतने वाली टीम थी नोट डाउन कर लीजिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एसेज का संबंध किस खेल से है तो ऐसेज जो है क्रिकेट के द्वारा और अभी करेंटली जो है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच ऐसेज खेला जाता है जो कि अभी चल भी रहा है अभी ऑस्ट्रेलिया दो एक से आगे है दो मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं एक मैच इंग्लैंड ने जीता है आगे बढ़िए निम्नलिखित में से कौन शतरंज के खिलाड़ी फिशर नहीं है कौन से खिलाड़ी नहीं है एक्चुअली फिशर नहीं होता है यहाँ पे विश्वनाथ आनंद बॉबी या अनातोली कारबोब या बॉब क्लॉज तो इसका राइट आंसर बॉब क्लॉज है बॉब क्लॉज कोई दूसरा खेल खेलते हैं वो शतरंज नहीं खेलते हैं चलिए आगे बढ़ेंगे वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है रोलिंग में स्विमिंग में याचिंग में या शूटिंग में तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा याचिंग में ब्लेंगन टॉफी आपको याचिंग करने पे मिलता है नाव चलाने को ही याचिंग कहा जाता है अरविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था तो देखिए इसका सही और बिल्कुल सटीक सा आंसर है हर गोविंद खुराना को जैव रसायन नहीं यही पे कंफ्यूजन होती है बट यू हैव टू प्रिपेयर योर इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी चिकित्सा विज्ञान के लिए जो है हरगोविंद खुराना को नोबेल प्राइज मिला हुआ था भारत के सबसे कम अवधि के लिए प्रधानमंत्री कौन बने हुए थे तो देखिए इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार जब ये प्रधानमंत्री बने थे तो तेरह दिनों के लिए इनको प्रधानमंत्री के बाद जो है इनकी सरकार गिर गई थी दूसरी बार ये तेरह महीने के लिए जो थर्टीन मंथ है उनके लिए जो ये सरकार में आए थे और तीसरी बार ये पांच साल इन्होंने सरकार चलाई थी बट छह महीने पहले ही इलेक्शन करा लिए गए और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई हार गई कांग्रेस जीत गई थी उड़ीसी भारत के किस राज्य का नृत्य है देखो कितना सवाल इजी आ रहा है एग्जाम में ओडिसी जो है उड़ीसा के राज्य का नृत्य है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कौन सी नदी अपनी दिशा अक्सर बदलती है और बिहार का शोक भी इसे कहा जाता है तो राइट आंसर क्या है आपको पता ही होना चाहिए कोसी नदी जो कि अपना रास्ता टाइम टू टाइम चेंज कर लेती है चलिए हम लोग भी क्वेश्चन को चेंज करते हैं बाईसाइकिल के उत्पादन में कौन सा राज्य अगरणीय है या फिर प्रथम है सबसे आगे है तो इसका राइट आंसर देखिए ये होगा हरियाणा हरियाणा में सबसे ज़्यादा साइकिल जो है बनाई जाती है इसका राइट right आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हीरो की जो साइकिल बनती है यहीं पे बनती है एबॉन एटलस वगैरह वगैरह जलपोत के निर्माण में सबसे अगरणीय देश कौन सा है सबसे ज़्यादा जो है जलपोत का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है जापान। जलपोत से जापान याद रखिएगा ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर एटी वन की ओर एक्स एस्मो जो है कहां के खाना, खाना बदोश शिकारी हैं जो कि शिकार करते हैं और इधर उधर टहलते रहते हैं घूमते रहते हैं एक जगह इनका पता ठिकाना नहीं है तो इसका राइट आंसर है ग्रीन लैंड जहाँ के ये निवासी हैं स्कीमो बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है बर्फ के घरों में ये रहते हैं तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है इसे छोटे में आंकने की कोशिश मत कीजिएगा कलहन की पुस्तक राजतरंगनी का विषय क्या है तो देखिए कलहन की जो पुस्तक आई थी वहाँ पे कश्मीर के राजाओं के बारे में इसमें वर्णन आपको मिल जाएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी कश्मीर के राजाओं के बारे में जानना है तो तरंगनी आपको पढ़ना होगा अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर इंदिरा गांधी आ बायोग्राफी की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है तो इंदिरा आ बायोग्राफी जो है पुपुल जयकर के द्वारा लिखी गई है राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी आर के धवन का नाम आपने राम मंदिर निर्माण में सुना होगा आर के धवन जो थे मुस्लिम पक्ष की ओर से पैरवीकार थे आर के धवन ये वकील है और सोनिया गांधी को तो आप जानते हो कांग्रेस के ये क्या है नेता है वर्ष उन्नीस की जनगणना के अनुसार शिशु मृत्यु दर किस राज्य का सबसे अधिक था तो राइट आंसर क्या होगा बिहार और अभी भी बिहार ही है ये उन्नीस की बात हो रही है लेकिन 2011 के अनुसार भी बिहार में सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु दर होती है अनेक अनेक बीमारियां बिहार में आती रहती है और स्वास्थ्य व्यवस्था थोड़ी सी खराब है यहाँ पे मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है मदुरई में महाबलीपुरम में मैसूर में या रामेश्वरम में तो इसका राइट आंसर कहाँ हो जाएगा दोस्तों मदुरई में आपको मीनाक्षी मंदिर मीनाक्षी टेम्पल जो है वो मिल जाएगा शांतिवन किसकी समाधि स्थल है समाधि स्थल मतलब उनकी मृत्यु के बाद जहाँ उनको दफनाया गया है जहाँ उन्होंने समाधि ले, ले ली है तो शांतिवन जो है जवाहरलाल नेहरू यानी कि ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल है जवाहरलाल नेहरू चलिए आगे बढ़ेंगे मीन कैंप एक्चुअली ये मेन कैंप लिखा हुआ है बट यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी है मीन कैंप यानी कि मेरा संघर्ष मीन कैंप जो है किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक थी तो ये हिटलर साहब ने लिखा था और हिटलर के ऊपर जो है कितने ही ज्यूस को मारने का जो है इल्ज़ाम है इन्होंने मारा था गैस चैम्बर में गैस में इन्होंने जो है लोगों को फेंक फेंक के जला दिया मार दिया ये इसका राइट आंसर होगा ये जर्मनी के हिटलर थे एक्चुअली तानासाह थे कोयटो किस देश की राजधानी देखो अब क्वेश्चन जो है बहुत डिफिकल्ट अब शुरू हुए हैं तो इक्वाडोर की जो राजधानी है उसका नाम जो इक्वाडोर है वो राजधानी है किसकी कोटो देश की पोलैंड की राजधानी का नाम बताना है तो देखो वर्षा जो है पोलैंड की राजधानी का नाम है आप लोग नीचे कमेंट करके बताना देखो पाकिस्तान तो आपको पता है पाकिस्तान लिख देना इंग्लिश में लिखो हिंदी में लिखो आपकी मर्जी पाकिस्तान की जो कैपिटल है आप कराची और लाहौर मत लिख देना आप लोगों को हिंट दिया जा रहा हूं नीचे पाकिस्तान के कैपिटल का नाम लिखिएगा बेंजामिन नेतन्याहू कौन है आप सोच के देखो उन्नीस का प्रश्न है और 2023 चल रहा है और अभी भी बेंजामिन नेतन्याहू ही यहाँ के देश के प्रधानमंत्री हैं इसका सही आंसर है आपको जानकर आश्चर्य होगा बट दिस इज द रियलिटी इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है बीच में ये सरकार से इनकी गई भी थी फिर से ये वापस आ गए दादा साहब फालके पुरस्कार उन्नीस में किसे दिया गया था तो इसका राइट right आंसर भले राजकुमार है आप पढ़ लीजिए बट कन्नड़ फिल्मों में ये काम करते थे लेकिन नेशनल अवार्ड के ऊपर अगर आपको एक वीडियो चाहिए होगी तो नीचे कमेंट करके नेशनल अवार्ड लिख दीजिएगा तो इसके ऊपर एक मैं डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए बना दूंगा फिलहाल आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 92 की ओर 92 के सवाल के साथ उत्तर से दक्षिण तक भारत की लंबाई कितने किलोमीटर की है तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों नाइन्टी सॉरी थ्री टू वन फोर थ्री टू वन फोर किलोमीटर जो है भारत उत्तर से लेकर ऊपर से लेकर दक्षिण तक फैला हुआ है कश्मीर से कन्याकुमारी तक चलिए आगे बढ़ेंगे विल्स दो हज़ार जो छियानवे में वर्ल्ड कप हुआ था वो कहाँ खेला गया था तो देखिए विल्स का जो कप है वो लाहौर में खेला गया था ए इसका राइट आंसर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ेंगे विल्स सिक्रेट बनाने वाली कंपनी थी खैर कोई बात नहीं विश्व के किसी देश में सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री कौन बने थे हमारे देश के नेता थे जिनका नाम था मरारजी मुरारजी देसाई और मुरारजी देसाई कांग्रेस बिना कांग्रेस के सरकार में बनाने वाले पहले नेता थे यानी कि ये गैर कांग्रेसी सरकार बनाई थी इन्होंने जिनका नाम है मोरारजी देसाई उन्नीस का रमन मक्स से पुरस्कार किसे दिया गया है फिलहाल मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ एक्चुअली इसे पढ़ना है नहीं टी एन सेशन ये क्या थे ये चुनाव आयुक्त थे और ये इनका एक पॉपुलर डायलॉग था कि मैं सुबह में दो चार नेताओं को खा जाता हूं एक्चुअली ये बहुत सख्त मिजाज के आई ऑफिसर थे ईश्वर करे या शुभ दिन बार बार आए बधाई तार की संख्या कितनी है थोड़ा सा ऑट क्वेश्चन है बट राइट आंसर आंसर के के अकॉर्डिंग सात है याद रख लीजिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है मैं कहूं कि कोई नहीं यहां पे जो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको कोई नहीं है लेकिन फिलहाल जो है वो मैं आपको बता देता हूं ये मेरी जिम्मेदारी बनती है पूर्वी चंपारण क्या है पूर्वी चंपारण इसका राइट आंसर है लेकिन ऑप्शन में तो कहीं नहीं है भैया बिल्कुल नहीं है लेकिन यहां पे पलामू होगा आंसर क्योंकि ये झारखंड के अलग होने से पहले की बात है फिलहाल कौन भारतीय संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य नहीं थे तो भैया सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके सदस्य नहीं थे बारदोली सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन सा उपाधि दिया गया था नीचे कॉमेंट करके बताइए आप लोग भारत के राष्ट्रीय ध्वज के में जो चक्र है उसमें कितने आरी लगाए गए ये जो चक्र दिखता है ना आपको ऐसे ऐसे तो ट्वेंटी फोर है ये देखो सी इसका राइट आंसर है चौबीस तीलिया है भारत के झंडे में भारत की महान सुपुत्री पुरस्कार किसे दिया गया है मदर ट्रेशा डी इसका राइट आंसर है देखिए वीडियो आपने यहां तक देख लिया है और अगर इसकी आगे भी वीडियो चाहिए होगी तो नीचे कमेंट करके एक बार जय हिंद जरूर लिखिएगा मुझे पता चल पाएगा कि वीडियो आपने यहां तक देखी और आपको पसंद आया जय हिंद वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हैव अ गुड डे